एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विपाक्षी घोष और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाती हूँ और टैरो रीडिंग करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैं एक लव अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सीरीज अपलोड कर रही थी, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज एक महामंत्र लेकर आई हूँ जो देवी कात्यायनी का है। और इसको करने का सही तरीका क्या है, ये मंत्र बहुत इफेक्टिव है इन केस ऑफ डिलेड मैरिज। अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको रिश्ते आ रहे हैं लेकिन मैरिज तक बात नहीं पहुंच रही है, या शादी होते होते रुक जा रही है, रिश्ता होते होते टूट जा रहा है, सो अल्टीमेटली अगर मैरिज नहीं हो रहा है, ये महामंत्र उसके लिए है। इस महामंत्र का काम है आपके लाइफ में शादी को मैनिफेस्ट करना। चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, आप लव मैरिज करोगे, कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, अरेंज मैरिज में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते आ भी रहे हैं तो फाइनलाइज नहीं हो रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, ये मंत्र आपके लिए मैरिज को मैनिफेस्ट करके देगा। चलिए जानते हैं इसको करना कैसे है। ये मंत्र आपको किसी भी शुक्रवार से शुरू करना है, कोई भी फ्राइडे से शुरू करना है, इवनिंग को 108 बार चांटिंग करनी है स्फटिक या हकीक के माला से। रुद्राक्ष, तुलसी ये सब माला यूज नहीं करना है, स्फटिक या हकीक का माला यूज करना है। पहला फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे जब इसको आप शुरू करोगे 108 बार मंत्र चांटिंग करने के बाद, दो मिठाई व्हाइट कलर का, पेड़े हो सकते हैं, बताशे हो सकते हैं, कोई भी मिठाई हो सकता है, व्हाइट कलर का मिठाई दो आपको लेके जाना है। एक पीपल पेड़ के नीचे इसको, मिठाई को रखना है, दोनों मिठाई रखनी है। एक घी का दीपक जलाना है और मन में प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे यूनिवर्स, जो मैंने ये मंत्र चांटिंग शुरू किया है मेरे शादी के मैनिफेस्टेशन के लिए, ये एक्सेप्ट करे और मेरी शादी को मैनिफेस्ट करने में मेरी हेल्प करे, थैंक यू सो मच, ये बोल के आपको वापस आ जाना है। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, ये सिर्फ फर्स्ट फ्राइडे करना है। चांटिंग आपको रोज करनी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है पीपल के पेड़ के नीचे मिठाई रखने वाला, ये सिर्फ फर्स्ट फ्राइडे को करना है। उसके बाद जब आप घर वापस आएंगे, आप किसी भी मैरिड लेडी का, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी ननन हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, किसी भी मैरिड लेडी का कोई एक छोटा सा ऑर्नामेंट ले लीजिए, रिंग हो सकता है, पायल हो सकता है, इयररिंग्स हो सकते हैं, बैंगल हो सकते हैं, कोई भी ऑर्नामेंट ले लीजिए, उसको पहन ले, ये लड़कियों के लिए है। और जो लड़के हैं, लड़कों के लिए ये है कि आप किसी भी मैरिड पार्टनर का, कोई भी मैरिड पार्टनर हो, उनका ऐसा कोई चीज़ ले लीजिए जो शादी में यूज़ हुआ था, शादी का कार्ड हो सकता है, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मैरिज, शादी के जूते हो सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी लेनी है और अपने पास रखना है, जो लड़की है वो पहन लेंगे वो ऑर्नामेंट। इसके बाद आपको ये जो मंत्र चांटिंग है, ये आइडियली 51 डेज तक करना चाहिए, लेकिन आप तब तक करो कि जब तक आपकी शादी हो ना जाए। वैसे 51 डेज के अंदर अंदर इसको करने से शादी फिक्स हो ही जाती है और शादी की बात ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो जाती है, बट 51 डेज करके आप छोड़ सकते हो। बट मेरी एडवाइस ये है कि 51 डेज होने के बाद भी ये करते रहो आप, जब तक आपका शादी हो ना जाए। जब आपकी शादी हो जाए सेम प्रोसेस रिपीट करना है, फ्राइडे के दिन दो व्हाइट कलर का मिठाई लेके जाना है, एक घी का दीपक लेके जाना है, उसी पीपल पेड़ के नीचे जाना है, जाके अपनी ग्रैटिट्यूड देनी है, थैंक यू फॉर मैनिफेस्टिंग और मेरे लिए आपने ये फेवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करके वापस आ जाना है। अपनी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो ऑर्नामेंट अपने अपने मैरिड फ्रेंड, मदर, भाभी या किसी से भी लिया था वो उनको वापस कर सकते हैं। मंत्र है, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपास्तुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपास्तुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अगर कोई लड़का इस मंत्र को करेगा तो पतिम के जगह पत्निम, पत्निम, पत्निम मे कुरुते नमः। इस प्रोसेस को आप करो, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने के लिए। इस
टेक्निक को जिन जिन ने भी अप्लाई किया है आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है, विद इन 51 डेज शादी फिक्स नहीं हुआ है। आप भी अपने लाइफ में इसको अप्लाई जरूर करो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैं बताती हूँ कि पॉजिटिव रहना क्यों ज़रूरी है और कर्मा कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को रोक सकता है, उस वीडियो को देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बट इन अ नटशेल पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बिलीफ और फेथ को रखो, इस टेक्निक को करो एंड आई विश ऑल ऑफ यू जो भी ये टेक्निक अप्लाई करेंगे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजल्स ब्लेस यू एंड स्पिरिट गाइड्स ब्लेस यू।